यशोधरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यशोधरा पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से कुल 24,600 रुपए की देसी शराब जब्त की। गिरफ्तार किए हुए आरोपी का नाम मोहम्मद सुल्तान उर्फ टीपू मोहम्मद इरफान अंसारी बताया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब लगभग 11:30 बजे एपीआई जितेंद्र भार्गव अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि टीपू ने अपनी टीम की झोपड़ी में अवैध बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में देसी शराब जमा कर रखी है। जानकारी पुख्ता होते ही पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की तो वहाँ से देसी शराब की दुर्गंध आ रही थी और एक युवक खड़ा था। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम टीपू बताया। झोपड़ी की तलाशी लेने पर 500 लीटर क्षमता का एक ड्रम मिला जिसमें देसी शराब भरी रखी थी। पुलिस ने तुरंत ही पूरा माल जब्त कर टीपू को गिरफ्तार कर लिया। इसमें ऐसा है, हमारे डीबी स्टाफ के इंफॉर्मेशन मिली कि राजीव गांधी नगर जो स्लम एरिया है वहाँ पर एक सस्पेक्ट है जिसका नाम मोहम्मद सुल्तान उर्फ टीपू इरफान ऐसा नाम है। वो इलीगली जो महापुल हाथभट्टी की दारू बेच रहा था रेलवे पटरी पर, तो उसको हमने बड़े हिसाब से ताबे में ले लिया और उसके ऊपर जो प्रोविजन है 65 TA और ई के हिसाब से कार्रवाई की। उसके पास से हमने 120 लीटर महापुल की दारू सीज की है जिसका मतलब वैल्यू है 24,600 रुपये। हमने उसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको भी अरेस्ट करके उसको कोर्ट में भेज दिया है। यह कार्रवाई DCP नीलोत्पल, SP रोशन पंडित और सीनियर PI अशोक मिश्राम के मार्गदर्शन में की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।